टिकट हो गए। अरे आंटी नहीं है रे गाड़ी और याद है रे हम लोग यहाँ कितना कॉम्पिटिशन रहा है ना। बाप रे बाप, क्या रूले नहीं होना चाहिए, जो जैसे चलाना चाहता है चलाए। अगर आप खर्चा कर रहे हो तो दौड़ रहा। अच्छा ये सबको अभी शॉर्ट चढ़ाया दौड़। What's up guys, this is Kumar Anubho and you are watching me on my YouTube channel. स्वागत है आपका मेरे YouTube channel पे फिर से। तो अभी मैं बस सो के उठा हूँ और आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि आज मेरा फिफ्थ ईयर पेंटिंग का एग्जाम भी है 6 घंटे का, और आज मैंने कुछ ऑर्डर वर्क भी किए हैं, मुझे वो भी डिलीवर करना है, उसे देना है मिल के, और उसके बाद फिर मुझे अपनी बहन के घर भी जाना है पूजा में, तो देखते हैं कि मैं ऐसे भी काम कर पाता हूँ कि नहीं। तो चलिए बस आपका साथ रहेगा, मैं आपको कुछ ऑर्डर वक्त दिखाता हूँ। एक सेकेंड, कुछ हालत ऐसी है कि नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको एक सेकेंड अच्छे से दिखाता हूँ। ये पहला ऑर्डर वर्क है और जो दूसरा है वो एक्चुअली मैं उस क्लाइंट ने मुझे मना किया है दिखाने के लिए, तो बस आधा दिखाऊंगा। इसमें मैंने बहुत मेहनत की है यार, देखो इसके बाल, देखो इसके बाल बनाने में मैंने 2 घंटे लगा दिए। ये चारकोल से, ये इसे ग्रेफाइट है तो ये चारकोल इसको कहते हैं। उसी तरह इसे भी आधा ही दिखाऊंगा, देखो ये सभी ग्रेफाइट है। सो दैट्स इट, मैं सब पैक करूंगा, उसके बाद फिर अभी जल्दी से तैयार होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और हाँ, मुझे आयुष के घर भी जाना है। अभी मौसी के घर पहुंचा हूं मैं, अभी यहां से मैं अपना ड्राइंग क्लास जाऊंगा। तो फिर तो तैयार जाता हूं, अच्छे से नहा धोवा के थोड़ा, उसके बाद व्लॉग्स बनेंगे। वो रहा आयुष, सामान लेकर आ रहा, उसे पता भी नहीं है कि मैं उसके घर पे हूं। आएगा तो एकदम सरप्राइज हो जाएगा। तो मैं तो घर आ चुका हूं, और वहाँ की स्थिति कुछ इस तरह थी कि जो मेरे टीचर हैं आर्ट टीचर प्रीति मैम, उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका था कोरोना के वजह से। ये बात 22/23 की है, तो अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ये मत सोचें कि कोरोना एकदम से ख़त्म ही हो चुका है। और पेपर काफ़ी लंबा था, मैंने अच्छे से तो लिखा है, लेकिन एवरेज मार्किंग नहीं आती है प्राचीन कला केंद्र में या बांग्या परिषद में। पेंटिंग एग्ज़ाम वो कुछ खास एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे कि आप लिख रहे हैं मन से एकदम तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टेडलर पेंसिल और हॉसर पेंसिल का टेस्ट करने, क्योंकि मैंने एक नई मंगवाई थी स्टेडलर की मैकेनिकल पेंसिल, तो बस उसे टेस्ट करते हैं। एक स्टिल लाइफ बनाया है मैंने छोटा सा, और हाँ ये प्राइजेस मेरे ही हैं। एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं अपने प्राइजेस भी दिखलाऊंगा आपको एक एक करके, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट्स एंड ऑल। काफ़ी बड़ा है ये कबर्ड, देखो ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे पास है आज स्टेडलर का मैकेनिकल पेन पेंसिल जो कि मैंने परचेस किया था 475 रुपीज का, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने इसे, तो मैं इसे आज पहली बार यूज करूंगा, तो देखते हैं ये कैसा है आखिर। मैं तो इसे खोल भी रहा हूँ पहली बार,
तो इसके लीड काफी अच्छा है। पेंसिल की ग्रिप भी काफी अच्छी है और पेंसिल थोड़ा भारी भी है। ये हॉसर की ऑटो गियर पेंसिल है, इसमें आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप यूज करते रहिए ये निकलते रहेगा। लेकिन ये मैकेनिकल है, जय माता दी, इसको यूज करते हैं। देखते हैं इसके स्ट्रोक्स कैसे होते हैं। इसे मैंने हॉसर से किया, मैं इसे करता हूँ। काफी अच्छा है स्ट्रोक्स इसका। इसे पोर्ट्रेट करने में काफी मजा आएगा क्योंकि ये भारी है और स्ट्रोक्स मारने में आसानी हो रहा है। सो यू कैन बाय दिस, दिस इज स्टेडलर मार्स माइक्रो 0.5 mm। एंड दिस हॉसर इज ऑफ ओनली 35 rupees। तो अगर आप खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा तो डिफरेंस पता चलेगा ही, कहाँ ये 35 कहाँ ये 475। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज कुमार अनुभव और आज है डे 2 और मुझे बहुत लेट हो गया है क्योंकि मुझे जाना था नितिन के साथ। नितिन ने मुझे बुलाया था, हमने एक प्लान किया था एक मीटअप बहुत दिनों के बाद। मैं तो बहुत लेट हूँ, बस तुरंत निकलूँगा और फिर बस वहीं तुरंत मिलते हैं नितिन के पास। सो मुरादाबादी आ चुके हैं और मुरादाबादी में कुछ अलग ही सीन चल रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली वगैरह में हूँ। देखो यहाँ पे रोड्स रिजर्व्ड है वॉकिंग के लिए, उसको दिखाता हूँ। देखो इधर रोड ब्लॉक किया गया है और यहाँ से सेम सिनेरियो उधर भी है और मैं तो जल्दीबाजी में स्लीपर में ही आ गया, पता नहीं नितिन कहाँ होगा, बस उसे ढूंढता हूँ और उसके बाद फिर सच में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो गया। आज 1 किलोमीटर चलते आ रहा हूँ। अब नितिन को कॉल करता हूँ, कहाँ है, उसने मुझे कहा था रांची यूनिवर्सिटी के पास। मुरादाबादी में कहाँ से डर लेगा, बैरिकेडिंग पार करके भूल गए थे। हाँ, तुमको तो डंडे डंडे मारा होगा। आया डर गया पूरा, ठीक हम बोले ना हम उधर मैदान तरफ से घूम कर चलाने सीख रहे थे। चलाने चल रहे करता चलाने सीख रहे थे। हमको आता नहीं, पहली बार छुट्टी वोटी घूमने निकले, हमको बोला कि जिधर से आता उधर ही चल जाओ। अरे देख ना हम चप्पल पे आए हैं, फट गया था समझ गया, शर्ट डाउन करने के पूरा आ गया। कहा चल रहा है भाई, लो रॉन्ग वे में चल रहा है क्या भाई, ना रहा था। भाई रांची में ही ना है हम लोग, हम इधर से घूम के चल रहे थे ठीक है। हाँ। और देखे सारा सामने से गाड़ी आ रहा, हमको लगा मोराबादी का अलग अलग रूल होगा। मुंबई है कारे, बाप रे बाप, लग गया ना कुछ कुछ हो रहा है इधर भाई। सही बोला यार, कुछ कुछ फिर जानता है मैदान तरफ सारा स्टॉल कुछ नहीं मिला। अरे तुम पगला, आज कौन सा दिन है, आज कुछ है क्या? अरे आज मंडे है भाई। अरे तो मंडे में ये लोग काहे दौड़ रहा है? अच्छा ये सबको अभी शौक चढ़ा है दौड़ने का क्या? अरे ये लोग रोज दौड़ जाता है, काहे ओलंपिक में जाना है क्या इन लोगों? 10 लाख मिले तुम क्या स्कूटी चलाना सीखेगा अभी? उधर कहीं रोड पे चलाने ही नहीं दे रहा, हर तरफ बैरिकेडिंग कर दिया, चलाएंगे मैदान में घुसा देंगे गाड़ी। और याद है रे हम लोग यहाँ कितना कॉम्पिटिशन में आए हैं भाई ना, बाप रे बाप। कल छोटू भी आपको मैसेज किया, पीयूष जी, पीयूष, अरे पीयूष मैसेज करके बोलता है भाई मेरा नया नंबर, नया नंबर, नया नंबर। अभी आराम से सामने वाला सीख रहा है,
छोटू राजा। ए नितिन हमको काहे लग रहा है तुम यहाँ से निकालो जल्दी गाड़ी। क्या हो गया? मिट्टी अरे आंटी को छोड़ दो। अरे आंटी नहीं है रे। अरे भाई अरे भाई फिर इधर उधर नहीं ना मारेगा? कहाँ मारेगा? हाँ तुम बाबू यह लाइसेंस मिलता है तुम यही गाड़ी लगाओगे भाई। ये सच में राजी है? फालतू हो गया था। रोको ना रे, तुम जाते जा रहा रोको कहीं। तुम दौड़ने आओ ठीक है, गाड़ी सीखने आओ ठीक है। ये भैया लोग क्या कर रहे हैं? अरे बहुत बुरी बात है। नितिन आपके कुछ तर्क? अरे भाई आतंकवादी थोड़े, तुम्हारा देश का नागरिक है। आधार कार्ड नहीं दिखा दिया नितिन? रांची के सिटी रूल्स पे कुछ तर्क दीजिए। अरे शक्ल दिखाइए सर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। शक्ल दिखा के तर्क देंगे तो बाबू मारेगा नहीं। तो फिर दीजिए लॉजिक सर, लॉजिक दीजिए सर। क्या रूले नहीं होना चाहिए? जो जैसे चलाना चाहता है चलाए। आजाद देश है, इंकलाब जिंदाबाद। अरे भाई तो मैं आ चुका हूँ अपने घर, और अभी एक गलती मुझसे हुई कि मैं किसी को बिना बताया गया था। हाँ क्योंकि कोई उठा हुआ नहीं था उस समय और बहुत सुबह भी हो रहा था। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।